नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। जनप्रतिनिधियों ने निभाई सनातनी परंपरा, महाकाल लोक शिवार्पण का प्रथम निमंत्रण सौंपा श्री गजानन गणपति को। 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का शिवार्पण करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आ रहे हैं, जिसका पहला निमंत्रण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन के प्रथम नागरिक मुकेश टटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया व सभापति कलावती यादव सहित संगठन के लोगों ने चिंतामण गणेश पहुंचकर निमंत्रण विधिवत पूजा अर्चन कर भगवान गणेश के चरणों में सौंपा। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य का पहला निमंत्रण भगवान श्री गणेश को दिया जाता है, वहीं पूरे शहर में भी निमंत्रण पत्र के माध्यम से न्योता दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने मंदिर पुजारियों, मंदिर के बाहर फूल प्रसादी बेचने वालों और दर्शनार्थियों को भी आमंत्रण पत्र सौंपे। महाकाल लोक शिवार्पण आयोजन में 700 कलाकार देंगे प्रस्तुति, सोनू निगम और कैलाश खेर भी आएंगे, लाखों लोगों को करेंगे निमंत्रित। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने आएंगे, तब विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। संस्कृति विभाग से जुड़े 600 से 700 कर्मचारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन में करीब 1,00,000 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली आम सभा में गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर यह जानकारी धर्मस्थ मंत्री उषा ठाकुर ने दी। जी, हमारे राष्ट्रनायक नरेंद्र भाई मोदी जी 11 अक्टूबर शाम 6 बजे पधारें कार्तिक मेला ग्राउंड, और उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर शासन प्रशासन करने में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प पूरा हुआ, श्री महाकाल जो क्षेत्र है अपना लोक, महाकाल लोक का लोकार्पण करने, शिवार्पण करने राष्ट्रनायक मोदी जी आ रहे हैं। शासन प्रशासन मुस्तैदी से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और संपूर्ण समाज बहुत ही उत्सुक है, प्रेरित है, और मुझे लगता है हर गांव, हर पंचायत में ये तैयारी चल रही है कि आसपास के जितने लोग यहां आ सकेंगे सब आएंगे ही, बाकी पूरा प्रदेश जुड़ेगा ऑडियो वीडियो के थ्रू और इस कार्यक्रम का सहभागी बने। महाकाल लोक के लोकार्पण उज्जैन ही नहीं, मालवा निमाड़ के जिलों से भी लोगों को आमंत्रित किया गया है। इन क्षेत्रों से करीब 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। बाहर से आने वाले लोगों को लेकर मंगलवार को जन अभियान परिषद के विभाष उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में मालवा निमाड़ के जिलों से आने वाले लोगों को भोजन पैकेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका जिम्मा सिख समाज के सुरेंद्र सिंह अरोड़ा को सौंपा गया है। अरोड़ा के मुताबिक जय गुरुदेव सिख समाज तथा अन्य संस्थान द्वारा भोजन के पैकेट के इंतजाम किए जाएंगे। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ महाकाल लोक आयोजन को परम शिव की आराधना समारोह के रूप में कर रहा है। शुभारंभ 7 अक्टूबर को देवाधिदेव महादेव के लेजर शो से होगा। 8 को महाकाल स्त्रोतम, 9 को शिव गणेश स्तुति, 10 अक्टूबर को समापन पर शिव ओम की प्रस्तुति गायन पद्मश्री सोनू निगम द्वारा की जाएगी। गायक सोनू निगम का स्टेज शो दशहरा मैदान पर होगा और सभी आयोजन शास्त्री नगर मैदान पर शाम 7 बजे शुरू होंगे। दशहरा मैदान पर लाला अमरनाथ स्मृति दशहरा उत्सव के अंतर्गत जोरदार आतिशबाजी के साथ होगा रावण दहन, मुख्यमंत्री भी करेंगे शिरकत। शहर के प्राचीनतम दशहरा महोत्सव का ये शानदार 59वां वर्ष है और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्वर्गीय लाला अमरनाथ स्मृति दशहरा महोत्सव बुधवार 5 अक्टूबर 2022 को शाम 7 बजे दशहरा मैदान उज्जैन पर आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दशहरा महोत्सव का ये शानदार 59वां वर्ष है और इस बार भी 101 फुट ऊंचे रावण के विशाल पुतले का दहन परंपरा के अनुसार किया जाएगा। दशहरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष समाजसेवी श्री ओम प्रकाश खत्री ने अपनी अनौपचारिक पत्रकार वार्ता में बताया कि विगत 59 वर्षों से स्थानीय दशहरा मैदान में स्वर्गीय लाला अमरनाथ जी द्वारा उज्जैनवासियों के लिए बुराई पर अच्छाई की विजय स्वरूप दशहरा मैदान में दशहरा महोत्सव मनाने का संकल्प लिया था, जिसे उनकी तीसरी पीढ़ी पूर्ण गरिमा और भव्यता के साथ आयोजित करती है। आयोजन समिति के सचिव शिवा खत्री ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान भी 59वें दशहरा महोत्सव में प्रमुख अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। सचिव शिवा खत्री ने बताया कि दशहरा महोत्सव में भव्य आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहती आई है और इस बार भी विशेष आतिशबाजी
की जाएगी। नगर की प्राचीन परंपरा के तहत भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी श्रावण मास के बाद नगर प्रमुख मार्गों से होती हुई दशर मैदान पहुंचेगी। वहां नगर के जिलाधीश श्री आशीष सिंह सवारी का पूजन करेंगे। वहीं रावण से युद्ध करने के प्रतीक स्वरूप भगवान श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी की सवारी का दशर मैदान पहुंचने पर जिलाधीश श्री आशीष सिंह पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा पूजन अर्चन कर दशहरा महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा महोत्सव का प्रमुख आकर्षण आतिशबाजी का शुभारंभ किया जाएगा। दशहरा महोत्सव के समन्वयक डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी ने बताया कि दशहरा महोत्सव के आयोजन में अतिथि के रूप में सर्वश्री माननीय महामंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी जी महाराज, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व विधायक डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कमल पटेल, राजनेता मनोहर बैरागी, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सोनू गहलोत, पूर्व पार्षद राजेंद्र वशिष्ठ आदि सम्मिलित होंगे। दशहरा महोत्सव के विशेष अतिथि कमिश्नर श्री संदीप यादव, आईजी श्री संतोष कुमार सिंह रहेंगे। आयोजन में सामाजिक सेवाओं के लिए सिख समाज के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह अरोड़ा को स्वर्गीय लाला अमरनाथ स्मृति समाज सेवा सम्मान से अतिथियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। महोत्सव के सूत्रधार देश के प्रख्यात व्यंग्यकार डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा होंगे। कार्यक्रम में नगर के ख्यात गायक ज्वलन शर्मा, नामिका शर्मा, अमित शर्मा समूह द्वारा भजन संगीत की प्रस्तुतियां दी जाएगी। दशहरा महोत्सव समिति के मनीष शर्मा, डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, दिनेश दिग्गज, अशोक खत्री, विनोद चोपड़ा, कोमल खत्री, अनिल नारंग, कुतुब फातिमी, अश्विन खत्री, अमित खत्री, अमरनाथ सुगंधी, विकास जायसवाल, रिंटू बग्गा, रॉबिन चोपड़ा, निखिलेश नारंग, जनार्दन पांडे, विशाल चौरसिया, धीरज पटेल आदि ने नगरवासियों से दशहरा महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहकर इस पारंपरिक महोत्सव को सफल बनाने की अपील की है। दीप्ति नगर निवासी परिवार अष्टमी पूजन के लिए गया अपने पैतृक गांव और चोरों ने सूने मकान में कर दी सेंध मारी। लगभग 1.5 लाख का माल हुआ चोरी। दीप्ति परिसर निवासी प्रकाश पिता रामचंद्र धाकड़ सोमवार शाम 7:30 बजे अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बड़नगर के खेड़ावदा गांव स्थित अपने पैतृक गांव अष्टमी की पूजा के लिए गए थे। प्रकाश धाकड़ यहां किराए से रहते हैं। मंगलवार सुबह 11 बजे कुरियर देने वाले डिलीवरी बॉय उनके घर पहुंचा और कुरियर के लिए उन्होंने फोन लगाया। प्रकाश ने कुरियर बॉय को दरवाजे के पास कुरियर रखने का कहा, तब उन्हें घर का मुख्य द्वार खुला होने की सूचना मिली। प्रकाश ढाकर ने अपने पड़ोसी संजय सलूजा को फोन कर स्थिति जानने के लिए कहा और अभिषेक नगर निवासी मित्र आनंद झा को भी घर जाकर देखने के लिए कहा। पड़ोसी प्रकाश ढाकर के घर पहुंचे तो घर के अंदर का पूरा सामान अस्त व्यस्त मिला। डाइनिंग हॉल में रखी छोटी अलमारी और बेडरूम में रखी अलमारी के ताले टूटे हुए थे। सामान बिखरा हुआ था। धाकड़ ने तुरंत नानाखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नानाखेड़ा थाना पुलिस और FSL की टीम पहुंची और साक्ष्य इकट्ठे किए। प्रकाश धाकड़ ने बताया कि डाइनिंग हॉल में रखी अलमारी से 250 ग्राम के 4 चांदी के ग्लास के सेट, चांदी का एक 500 ग्राम का कलश, लगभग 4,500 की टाइटन की घड़ी और एक गुल्लक जिसमें लगभग 2,500 रुपए थे गायब है। अलमारी में लगभग 40,000 रुपए और कुछ जेवर भी रखे हुए थे, जिनकी स्थिति अभी साफ नहीं है। कुल मिलाकर चोर लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान अपने साथ ले गए। फिलहाल नानाखेड़ा थाना पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। और उन्होंने वास्तव में देखा कि ये तो पूरा अस्त व्यस्त है, सामान बिखरा हुआ है, मतलब कोई घुसा है और चोरी की नीयत से उसने यहाँ पे सारा सामान अस्त व्यस्त किया है। तो उसके बाद में हमने पुलिस को कंप्लेन किया, पुलिस भी 100 डायल आ गई और थाने से भी अधिकारी लोग आ गए और फोरेंसिक टीम आई है और अभी जांच चल रही है फोरेंसिक टीम द्वारा। तो प्रारंभिक ये है कि जो हमारे पूरा सामान अस्त व्यस्त है और इसमें अभी कुछ समझ नहीं पड़ रहा है कि क्या है, लेकिन अभी यदि देखा जाए तो कुछ सिल्वर आर्टिकल थे उसमें, 1.5 किलो का सिल्वर था, वो उसके बॉक्स बिखरे पड़े हुए हैं, मतलब वो उसमें है नहीं। और दो मिसेज की घड़ी थी और दो मेरी घड़ी, 4 घड़ी करीब वॉच हैंड वॉच हो गई है। और भी अस्त व्यस्त सामान है, अभी फोरेंसिक टीम ने हमें मना किया है कुछ चीज़ कुछ होने के लिए, लेकिन इसके बाद हम जो भी चीज़ें बैग और हमारे सूटकेस देखेंगे कि उसमें और क्या गया है। पार्श्वनाथ सिटी निवासी असिस्टेंट प्रोफेसर के सूने मकान में चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, जेवर नकदी के सहित बच्चे के गुल्लक भी उठा ले गए।
नागजीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्श्वनाथ सिटी निवासी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ लोकेंद्र पिता नंद सिंह चौहान के घर पर 3 अक्टूबर की रात चोरों ने धावा बोला। लोकेंद्र सिंह चौहान 2 अक्टूबर को अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दोपहर 1:30 बजे राजस्थान में सांवरिया सेठ के दर्शन करने के लिए निकले थे। 3 अक्टूबर दोपहर 3 बजे जब वह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और किसी ने उसे केवल कुंडी में अटका रखा है। घर का दरवाजा खोलकर जब अंदर गए तो घर का दृश्य देख उनके होश फाकता हो गए। घर का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था और अलमारी से कपड़े और जरूरी सामान बाहर निकालकर कमरे में फैला दिया गया था। घर के सामान की जांच करने पर मालूम हुआ कि घर में रखे लगभग 8 तोला वजनी जेवर गायब है। उनके 6 साल के बेटे का गुल्लक भी नहीं मिल रहा। लोकेंद्र सिंह ने बताया कि गुल्लक में लगभग 8,000 रुपए रखे हुए थे। इसके अलावा 5 नग चांदी की बिछिया भी चोरी गई, जिसका वजन 100 ग्राम के करीब है। फरियादी ने जब घर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चोर घर में घुसते हुए साफ नजर आए। लोकेंद्र सिंह चौहान ने नागजीरी पुलिस को FIR दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। रात को 3 बजे मेरे घर में चोरी हुई है। रात को 3 बजे 5 लोग पीछे की दीवार से कूद के आए हैं फैक्ट्री की तरफ से, और उन्होंने घर का ताला तोड़ा और सारी ज्वेलरी और कैश निकाल के ले गए हैं। इस दौरान रात को 2:30 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे कंफर्म किया तो एक गार्ड आया था। उसके बाद किसी भी गार्ड की यहाँ पे कोई भी चौकीदारी नहीं हुई है, और मैं सुरक्षा निधि का पिछले जब से इस कॉलोनी में आया हूँ तब से सदस्य हूँ। मैं ये मांग करता हूँ कि सुरक्षा निधि को और कड़ा किया जाए, और जो लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं उनके लिए ये अनिवार्य किया जाए कि वह भी सुरक्षा निधि दें, ताकि सबके घर की सुरक्षा हो सके। क्योंकि चोरी करने वाले ये नहीं देखेंगे कि कौन बिना सुरक्षा निधि वाला है और कौन सुरक्षा निधि वाला नहीं है, वो किसी के घर जा सकते हैं। 5 लोग आए थे, उनके साथ आप देखेंगे तो शायद हाथ में हथियार भी दिख रहे हैं, वो क्लियर विजन नहीं है पर ऐसा लग रहा है। तो ये एक गंभीर मामला है, ये हमारे बच्चों के लिए भी असुरक्षित हो सकता है और हमारे घर के लिए भी। कृपया इस चीज पे गंभीरता से ध्यान दें और इस पे एक्शन लें। मेरा सभी कॉलोनी वासियों से ये निवेदन है। आदतन अपराधी ने ऑटो चालक से मारपीट कर की हफ्ता वसूली। पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज कर चलता किया। ऑटो चालक ने SP से की शिकायत। कोतवाली थाने के हिस्ट्री शीटर बदमाश शाकिर उर्फ छेनू पिता बाबू डबल निवासी फाजलपुरा से परेशान होकर उज्जैन के वजीर पार्क में रहने वाला ऑटो चालक अजरुद्दीन पिता नसरुद्दीन पुलिस अधीक्षक से अपनी जान की हिफाजत करने की गुहार लगाने पहुंचा। दरअसल 2-3 दिन पूर्व रात 10:30 बजे के करीब छेनू और उसके गुर्गो ने अजहर के साथ मारपीट की और उसकी जेब में रखे लगभग 1,000 रुपए छीन लिए। अजहर जब अपने साथ हुई घटना की शिकायत करने नीलगंगा थाने पहुंचा तो वहां छेनू के खिलाफ मारपीट की सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अजहर को रवाना कर दिया गया। अब छेनू और उसके गुर्गे अजरुद्दीन को धमका रहे हैं, जिसके चलते फरियादी ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मदद की गुहार लगाते हुए अपनी जान की दुहाई मांगी है। यहां आपको बता दें कि छेनू पर अर्धशतक से ज्यादा अपराध दर्ज है। फिलहाल चिमनगंज थाने से लेकर माधवनगर थाने तक उसका आतंक फैला हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो और मैजिक चालकों से इन दिनों जमकर अवैध वसूली की जा रही है, और यह अवैध वसूली भी छेनू के गुर्गे ही कर रहे हैं। सर, छेनू और वो परसों के दिन 30 तारीख के दिन मैं ढाबे पे बैठा हुआ था, आया मुझे मारा कूटा, मेरे से 1,000 रुपये छीने और अवैध हफ्ता वसूली करता हूँ मेरे से। आए दिन मेरे से कभी 1,000 छीन जाता, कभी 500 छीन जाता, हमेशा ही उसका दौर है। अभी मैंने देने से मना करा, लोगों से बोला कि मैं इसके नाम की FIR कर दूँगा, बार बार पैसे मांगता है मेरे से। तो उसको किसी से जानकारी मिल गई तो सीधे ढाबे आया, मेरे को बुलाया, वहाँ पे मारा अलग, फिर मैं थाने गया, FIR हुई तो वहाँ पुलिस ने मेरी FIR करी सही साथ दबाव मार के, ना कुछ करा और मेरे को वहाँ से अलग भगा दिया गया, छोटी मोटी धाराएँ लगा के। अब मैं यहाँ कलेक्टर जी साहब के वहाँ आया हूँ कंट्रोल रूम आवेदन वगैरह देने, और अभी भी उसके फ़ोन आ रहे हैं, धमकी दे रहा है फ़ोन लगा लगा के। फोन है छेनू, क्या करता छेनू है? छेनू उर्फ साहब इसकी माल गोडाउन पे हफ्ता वसूली अवैध एजेंटी करता ही है। ये अभी उर्फ बंद भी हो गया था, हफ्ता वसूली लग गई थी इस पर एजेंट के चक्कर में, इन्हें फिर आया, फिर वापस वो एजेंटी चालू कर दी है और वहाँ पर फिर हफ्ता वसूली कर रहा है। और अब एक नहीं सारे ऑटो वाले परेशान हैं उससे। अब ऑटो वाले थाने भी जाते हैं तो पैसा वैसा बांटता, फ़ोन लगवा देता है तो पुलिस भगा देती है वहाँ से, और आए दिन लोगों को परेशान करता रहता है। जब दो बजे 1,000 छीन लेगा, 500 छीन लेगा, 100 रुपये छीन लेगा, इन 100 रुपये रोज तो वहाँ से ऑटो चलाना दे नहीं है। अभी मैं ऑटो चला रहा था तो मैं 100 रुपये नहीं दे रहा था, मेरे को भगा दिया उन्होंने वहाँ से, कि ऑटो लेके दिख मत जाना, ऑटो में आग लगा दूंगा, तेरे अंदर आग लगा दूंगा। तो मैंने वहाँ लोगों से बोला कि मैं इसके नाम की FIR कर दूंगा, परेशान बहुत कर दिया मुझे, मैं इसको पैसे से नहीं दूंगा, तो उस कारण मुझे आके मारा। उधारी के रुपये मांगने पर वाहन चालक और उसके पुत्र पर आरोपियों ने किया हमला।
वहीं बच्चों के विवाद में वर्ग विशेष के लोगों ने पिता को किया घायल। चिंतामन क्षेत्र निवासी वाहन चालक 37 वर्षीय राजाराम सिसोदिया ने मनोहर नामक व्यक्ति को लगभग 12,000 रुपए दिए। उससे मांगने पर उनका आपस में विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी मनोहर कुछ युवकों के साथ राजाराम के घर पहुंचा और चाकू, कुल्हाड़ी व डंडों से पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिससे राजाराम के सर, छाती एवं पीठ पर चोट लगी। वहीं उसके 15 वर्षीय पुत्र कुलदीप का हाथ फ्रैक्चर हो गया। दोनों घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। पैसे के लेन देन में मैं पैसे लेने के लिए गया था, उसमें से हमारा आपसी विवाद हो गया, जो मुँह से बोला चली। उसके बाद मैं घर जाके सो गया था, फिर उसके संग में दो बंदे को लेके आया वो और मेरे संग में घर के अंदर मारपीट की। मारपीट में आपको कहाँ कहाँ चोट आई? सर के ऊपर कुल्हाड़ी की और इधर छाते पे चाकू है और इस हाथ पे लाठी है। मारपीट में आपके घर परिवार में कितने नुकसान हुए? छोटे वाले लड़के का हाथ फ्रैक्चर है। इधर एक अन्य घटना में महाकाल मैदान निवासी हारफूल का व्यवसाय करने वाले श्यामनाथ योगी के पुत्र के साथ वर्ग विशेष के लोगों ने मारपीट की। जब श्यामनाथ बीच बचाव करने गया तो सोहेल, जाकिर, इमरान व शोएब ने सरिये, डंडों और चाकू से घर में घुसकर मारपीट की और कहा कि रिपोर्ट डाली तो फिर मारेंगे। जिला चिकित्सालय में भर्ती घायल राजाराम ने बताया, मैं घर में था, मेरा बच्चा बाहर खेल रहा था, वो दो बच्चे मारा कुटी करने लग गए और मैं समझा नहीं पाया ना, तो मेरे घर में मुझको मुझे मारा और हद तो सब भी बोले मेरे जैसे इसको मेरे को दोनों को मारा, ऐसा थोड़ी ना होता। अच्छा भाई जाओ, कहीं भी नहीं जाएगा, रिपोर्ट डाल ले जाएगा, वो मारी मेरी तो इससे ज़्यादा। तो कौन लोग थे? मुसलमानी लोग थे, 6 नंबर गली के। क्या नाम है? तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।